नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोक्स कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, मोक्स कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और मोक्स कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि मोक्स कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में मोक्स कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। मोक्स कैप्सूल का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस होने पर, साइनोसाइटिस होने पर, फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक गले या त्वचा पर इन्फेक्शन होने पर आपका डॉक्टर मोक्स कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर भी आपका डॉक्टर मोक्स कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। पेशाब में भी इन्फेक्शन होने पर आपका डॉक्टर मोक्स कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर आपको बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी आपका डॉक्टर मोक्स कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर खांसी हो सकती है, इसलिए खांसी को ठीक करने के लिए भी आपका डॉक्टर मोक्स कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर आपको मोक्स कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। मोक्स एक ब्रांड नेम है। मोक्स कैप्सूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन अमोक्सिसिलिन होता है। मोक्स कैप्सूल 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोक्स कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। मोक्स कैप्सूल को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। वैसे 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर मोक्स 500 mg कैप्सूल को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन मोक्स कैप्सूल की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको मोक्स कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना मोक्स कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। आपको मोक्स कैप्सूल को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने मोक्स कैप्सूल को लेने की सलाह दी है, क्योंकि मोक्स कैप्सूल को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापस आ सकता है। इसलिए आपको मोक्स कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोक्स कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ज्यादातर व्यक्तियों में मोक्स कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में मोक्स कैप्सूल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, सिर दर्द, बदहजमी, पेट में दर्द, दस्त और त्वचा पर रैशेस हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोक्स कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में मोक्स कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। मोक्स कैप्सूल वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं को तभी लेना चाहिए जब जरूरत हो। बार बार एक एंटीबायोटिक दवा को लेने से या बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दवाओं को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी, और ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर को दूसरी एंटीबायोटिक दवा देनी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में मोक्स कैप्सूल की डोज घटानी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक या सेफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक दवाओं से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को मोक्स कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिला
महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं मोक्स कैप्सूल को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही मोक्स कैप्सूल को लेने की सलाह देते हैं, और जो महिलाएं स्तनपान करा रही है उनके लिए भी मोक्स कैप्सूल का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मोक्स कैप्सूल माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुँच सकती है और बच्चे में दस्त, उल्टी या एलर्जिक रिएक्शन आदि साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मोक्स कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मोक्स कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका मोक्स कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।